नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। बुजुर्ग की पुलिस ने पिटाई की, जनता ने किया थाने का घेराव। जनपद इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बकेवर थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर संजय शर्मा पर एक बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उसके साथ संजय शर्मा ने मारपीट की। बुजुर्ग ने बताया कि सड़क पर किसी को लेकर कोई विवाद हो गया था, जिसके बाद संजय शर्मा मेरे पास आए और पूछा कि क्या विवाद था, जबकि हमें उस विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उसी के साथ संजय सर पर हमारे साथ मारपीट करने लगे। जैसे ही सूचना आसपास के लोगों को पता चली, जिसके बाद जनता ने बकेवर थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। जनता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थाने पहुंचे, जहां उन्होंने संजय शर्मा द्वारा बुजुर्ग की मारपीट को लेकर संजय शर्मा को तत्काल रूप से कार्रवाई करने की मांग की। बकेवर पुलिस की आज दिन इसी तरह की दबंगई देखने को मिलती है, जहां बकेवर पुलिस जनता के साथ गलत व्यवहार करती है। क्या नाम है? कहाँ रहते हैं? रामतार जी, क्या घटना घटित हुई आपके साथ? हम अपनी दुकान पे बैठे, हमारा लगा रहे टेम्पू वाले किसी से झंझट हुआ, हमें साफ मालूम ही था कि खबर तो भाषा में बोलने लगे, हमें छाटे आटे मार दे, फिर हमें गाड़ी बिठा के फिर मारूँ। किसने मारा आपको? संजय शर्मा ने। संजय शर्मा, क्या बात क्या थी? साहब हम मालूम ही नहीं, वो टेम्पू वाले किसी से झंझट बहुत, हमें कोई नॉलेज नहीं थी, हमसे पूछ रहे थे बता साले नाम बता, हमें इसकी जानकारी नहीं थी कि आप इसी बात क्या बता। हाँ साहब, बाल हाल पकड़ ले और हमें मारू और दुकान दुकानदारों को परेशान कर रखे गए। आज थाना बकेवर में जो मामला हुआ है, क्या मामला था? आज सुबह 9 बजे के आसपास हमारे पास रामतार शर्मा का फोन आया कि हम अपनी यहाँ पेटी पर बैठे हैं और संजय शर्मा कस्बा इंचार्ज बकेवर ने आकर के हमसे कहा कि यहाँ जो लड़ाई हुई है उसमें कौन कौन लोग थे। तो हमने कहा कि सर मुझे मालूम नहीं है और जानकारी कर लें, तो इसी बात पर उन्हें दुकान से खींच के लात थप्पड़ घूसों और जूतों से पीटा, जिसकी जानकारी होने पर हम हाईवे पुल की ओर मुड़े, तब तक संजय शर्मा वहाँ से जा चुके थे। मैंने लोगों से वहाँ पूछा तो तमाम लोग थे, तमाम कस्बे के लोग थे, उन्होंने बताया कि 70 वर्षीय रामतार शर्मा को संजय शर्मा ने यहाँ भी पीटा है, गाड़ी में डाल के भी पीटा है और मैंने इस घटना को देखा है। मैंने तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से उनसे संपर्क किया, बिजी होने से मेरी PRO से वार्ता हुई, कप्तान साहब ने तत्काल पुलिस उपाधीक्षक पटना को थाना बकेवर भेजा, तो 250 कार्यकर्ताओं का जनाक्रोश थाने बकेवर पहुंचा और इस घटना से पुलिस उपाधीक्षक को अवगत कराया और लिखित तहरीर रामतार शर्मा पीड़ित ने दी है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, घटना घटित हुई है, हमारे चोटें आई हैं, हमारी मजबूरी चिट्ठी बनाकर मुझे दी जाए और मेरा मुकदमा लिखा जाए। इस प्रकार की संजय शर्मा जी ने एक बार हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष रविंद्र गुप्ता, उनके लड़के राजा गुप्ता के साथ भी मारपीट कर चुके हैं। इसके अलावा कई लोगों से पैसे मांगते हैं। जुए सट्टे का कारोबार बहुत भरपूर रहा है, बालू खनन भी काम बहुत तेजी से चल रहा है, इसलिए यह हमारी जो सरकार है, इस सरकार में अगर हमारे कार्यकर्ता जो जनसंघ के समान जमाने से दीपक लेकर के चलने वाले कार्यकर्ताओं के साथ संजय शर्मा इस तरीके से बुजुर्ग व्यक्ति को लाल जूतों से पीटेंगे, तो निश्चित रूप से जन आक्रोश सड़कों पर आएगा, आंदोलन होंगे और इसके लिए खुद पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। मेरी तो DM साहब से भी आग्रह है, जिलाधिकारी महोदय से और हमारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से भी आग्रह है कि इस घटना को गंभीरता से लें और ऐसे द्रोही संजय शर्मा, मैं तो द्रोही ही मानता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन के लिए एक सवालिया प्रश्न छोड़ते हैं, जो पुलिस प्रशासन और महकमे के लिए एक धब्बा साबित होते हैं, ऐसे निकम्मे अधिकारी के विरुद्ध कड़ी और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और जनता में सामंजस्य रहना चाहिए।
कोई भी कानून तोड़े उसके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई हो, लेकिन यदि पुलिस कानून तोड़ती है।